हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बारे में। देखो, सब लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर, पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी बन रही है, इंडिया में भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है अच्छा खासा। तो ये जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, इसके लिए कौन सी कंपनी काम कर रही है, वो सबसे हम पहले देखेंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहली कंपनी आती है केपीआईटी टेक। अभी आप बोलोगे केपीआईटी टेक, ये तो आईटी कंपनी है, पर ये कंपनी जो इसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को इंजन रहता है, स्मार्ट इंजन का काम करती है केपीआईटी टेक। तो ये डबल धमाका है आईटी का। वैसे देखा जाए तो चार्ट काफी बढ़िया है इसका, जो ऑल टाइम इसका हाई था वो तोड़ के अभी ऊपर चला है, 197 के आसपास है। मेरी सलाह ऐसी रहेगी इसमें कि मैं तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगा अच्छी खासी लंबी अवधि के लिए, 3-4 साल के लिए। केपीआईटीटी काफ़ी बढ़िया कंपनी है, 5,407 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और देखो, एक कंपनी क्या करती है, कंपनी विथ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दैट विल हेल्प मोबिलिटी ऑटोनोमस क्लीन स्मार्ट कनेक्टेड फ्यूचर। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। और स्पेशलाइजिंग एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इसमें भी ये कंपनी करती है। और इनका बिजनेस है वो यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया में केपीआईटी टेक का है। तो फंडामेंटली देखा जाए तो ये कंपनी काफी बढ़िया है। और इसके अगर हम रिजल्ट देखते हैं, देखो कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, डिविडेंड अच्छा खासा दे रही है 28%, और अपना कर्जा कम कर रही है 156 डेज से कम करके 55 डेज पे वो आ चुका है। इसीलिए मुझे कंपनी पसंद। और सेल्स में इंक्रीज देखो, 485 से 517, 540 हो गया मार्च क्वार्टर में। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। इस बार कंपनी के जो रिजल्ट्स आए वो भी अच्छे थे। FIs की प्रमोटर के पास 40% है, FII इसमें 20% हिस्सा होल्ड करते, देखो 20.92, और वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, 20.74 से 20.92 कर दिया। DIIs भी हिस्सा इसमें क्या बोलते हैं इंक्रीज करते हैं, और पब्लिक ने भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ओवरऑल कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है, FIIs, DIIs, पब्लिक, ये सब हिस्सा इसमें बढ़ा रहे। तो कंपनी अच्छी है, इसलिए ये पहली कंपनी है केपीआईटी टेक जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के इंजिन्स बनाती है। अभी सेकंड है कैस्ट्रॉल इंडिया। अभी ये देखो, इसमें एक चार्ट पैटर्न बनाई दे रहा है। चार्ट पैटर्न क्या कहता है आपको कि ये फेज में से जा रही है कंपनी। फिलहाल बहुत बुरा फेज है कंपनी के लिए, कंटिन्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका चार्ट मूव हो रहा है। पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ अब ये कंसोलिडेशन फेज में है, डार्वास बॉक्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, यही बिटवीन दिस लेवल ये शेयर ट्रेड करे जा रहा है। जैसे ही कैस्ट्रॉल इंडिया ये लेवल ब्रेक करेगा, इस ये लेवल ब्रेक करते ही ये काफी जोर से ऊपर की तरफ, ये लेवल ब्रेक करते काफी जोर से ये ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। और ये कंपनी क्या करती है, अगर ये कंपनी का देखा जाए, हमने कैस्ट्रॉल इज द वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मेकर ऑफ प्रीमियम लुब्रिकेटिंग ऑयल, गियर्स एंड रिलेटेड सर्विस टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मरीन, एविएशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखते हो आप, तो 12,438 करोड़ का मार्केट कैप है। 12,438 करोड़ की कंपनी ट्रेड कर रही सिर्फ 125 पे, और ये भी कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से रिलेटेड है। इसमें सबसे मेन बात, कंपनी डेट फ्री है और डिविडेंड देती है, 76% का डिविडेंड देती है। इन्होंने अपना कर्जा 34 डेज से 21 डेज कर लिया है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी ने कर्जा कम करते करते अभी डेट फ्री हो गई है, ये सबसे मेन बात है। और सेल्स, मैं हमेशा सेल्स देखता हूँ। देखो 491 करोड़ से बढ़ के 883 करोड़ हो गया, 883 करोड़ से बढ़ के 935 करोड़ हो गया, और 935 करोड़ से बढ़ के मार्च क्वार्टर में 1,140 करोड़ हो गया। तो इसमें बहुत बड़ी जंप दिख रही है हमें, सेल्स इसका बढ़ते जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ये शेयर है, इसलिए आप इन्वेस्ट इसमें आराम से कर सकते हो। लॉन्ग टर्म देखना आपको, शॉर्ट टर्म के लिए एक भी शेयर रखना नहीं हमें। और पहले
पहले रिजर्व्स देखते हैं, कंपनी अपने जो रिजर्व्स है रिजर्व्स बढ़ा रही है क्या? तो ये देखो ये भी बढ़ा रही है, 526 से 671 किया, फिर 872 किया, 920 किया, और उसके सामने बॉरोइंग कितनी? जीरो। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। शेयर कैपिटल में भी देखोगे 124 थी, फिर 247, फिर 495, यहाँ से कम होकर 247, और अभी पिछले 4 सालों से इनकी शेयर कैपिटल भी 495 करोड़ की इन्होंने मेंटेन रखी है, पॉजिटिव है शेयर के लिए। और अगर प्रमोटर के पास देखें, प्रमोटर तो इसमें बिल्कुल स्टिक है, 51% प्रमोटर ने रखा है, 11.63 FIs के पास है, DIs के पास 16.70% है, और पब्लिक के पास 20% है। तो ओवरऑल अच्छी तरीके से इक्वल रेशियो में सबके पास बटा है ये शेयर। तो ये भी शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट देगा, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब कितना होता है? लॉन्ग टर्म मतलब उसको मिनिमम आपको 5 ईयर्स होल्ड करना होता है। कोई भी आपको बोलता है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स का होता है, ये याद रखना है आपको। अभी हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन। जो ग्रीव्स कॉटन है ये शेयर इन सब में मेरा सबसे ज्यादा अभी फिलहाल के लिए फेवरेट है। अभी क्यों फेवरेट है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो मतलब इतने दिनों से ये बॉक्स के अंदर जो ट्रेड कर रहा है ना, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ग्रीव्स कॉटन में जब ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, ये बॉक्स से ऊपर जब निकलेगा और जब ये लेवल निकलेगा, देखो यहां तक वॉल्यूम रहेगा, ये टूटने और वॉल्यूम बढ़ेगा, पर यहाँ थोड़ा कॉन्सर्ट है। ये जब जाएगा ना, ये बहुत ऊपर जाएगा। ग्रीव्स कॉटन अभी आपको इतनी ज्यादा सस्ते में मिल रही है कंपनी, सिर्फ अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो ये मतलब 60 रुपए के आसपास थी, और अभी 145 को है। इसने रिसेंट में जो हाई लगाया था, रिसेंट हाई लगाया था कंपनी ने, ये 157 का लगाया था। बहुत बढ़िया कंपनी। अगर ये कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल देखो 3361 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी काफी महंगा हो चुका है, 2302 का पी दिखा रही है। कोई और वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कितना पी जो दिखा रहा है ये सही है क्या। पर देखो इसका मेन काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन एप्लीकेशन, ट्रेडिंग ऑफ पावर टिलर, स्पेयर रिलेटेड इंजन, ये देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, इसमें ये काम करती है ग्रीव्स कॉटन। अभी कॉटन नाम सुन के लोग सोचेंगे कि कौन सी कंपनी पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। कंपनी के अगर हम फंडामेंटल और देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है। सेल्स देखेंगे तो सेल्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखेगी। प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखते हैं हम, प्रमोटर के पास 55.63% है, FIs 4% होल्ड करते हैं, DIIs 13% होल्ड रखते हैं, और पब्लिक्स 26%। लॉन्ग टर्म के लिए भी ग्रीव्स कॉटन काफी अच्छा है। ग्रीव्स कॉटन में मेरा टारगेट 200 प्लस है, यहाँ से 60-70 रुपीज मोर का है, तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की ये जो थीम है ये प्ले करनी होगी तो ग्रीव्स कॉटन काफी बढ़िया शेयर है उसमें से। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एनालिसिस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।